हेलो दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब बाकी दुनिया में सिर्फ बर्बर राज हुआ करता था। जब दुनिया के अन्य होमियोसेपियंस मतलब मानव पत्थर से औजार बनाते थे, तब भारत बाकी दुनिया से विज्ञान और तकनीक के मामले में बहुत आगे हुआ करता था। भारत में आज से हजारों साल पहले नकली टांग लगाने की तकनीक थी। तभी तो उस वीरांगना को घायल होने के बाद लोहे की नकली टांग दी गई थी और उसी के दम पर वह युद्ध लड़ने जाती थी। दोस्तों, आज से करीब 3200 साल पहले मतलब 1200 बीसी में भारत में विश्वपला नाम की वीरांगना थी। वह एक योद्धा और अपने साम्राज्य की रानी थी। वह दुनिया की पहली इंसान थी जिसकी एक टांग नकली थी। विश्वपला की कहानी ऋग्वेद से पता चलता है। ऋग्वेद में विश्वपला की कहानी का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, विश्वपला एक आश्रम में पली हुई थी जहां उसने गुरुओं से युद्ध कला बचपन से ही सीख ली थी। उस बच्ची को यह तक मालूम नहीं था कि वो कौन है, कहां से आई और उसके माता पिता कौन थे। उन्होंने पुष्यमुनि ऋषि के संरक्षण में रहकर अपने भाग्य की तैयारी की थी। विश्वपला अपनी मंजिल की तलाश करते हुए आस्तिकानीर राज्य पहुँच गयी थी, जहाँ विश्वपला का विवाह खेलराज नामक एक राजा के साथ हुआ था। खेलराज पराक्रमी राजा था और विश्वपला भी शक्तिशाली योद्धा थी। एक बार दुश्मन ने खेलराज के राज्य में हमला कर दिया। दोनों शासकों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। खेलराज को युद्ध में मैदान में देख विश्वपला भी जंग में उतर गई। विश्वपला ने ऐसा युद्ध किया जैसे स्वयं चामुंडा देवी धरती पर दुश्मनों का विनाश कर रही है। दोस्तों, दुश्मनों के लिए विश्वपला से जंग जीतना मुश्किल हो गया था। तभी सैनिकों के झुंड ने मिलकर विश्वपला पर हमला कर दिया, जिससे उनकी एक टांग कट गया। पैर कटने के कारण विश्वपला युद्ध नहीं लड़ सकती थी। फिर भी उसने जो है बनावटी पैर लगवा करके युद्ध कला में भाग लिया और विजयी हुई। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।